हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्पफुल वीडियो, होली स्पेशल, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के चिप्स। तो फ्रेंड्स, हर काम को करने का हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, तो मैंने भी अपने तरीके से बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा कि मैं ये चिप्स कैसे बनाती हूँ, और फ्रेंड्स आप कैसे बनाते हैं ये बात भी मेरे साथ जरूर शेयर करिए कमेंट के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो फिर चलिए आइए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है भगोने में, और ये हमारे चिप्स हैं जो मैंने रात में ही आलूओं को छील करके तैयार कर लिए थे। और अब मैं पानी में डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार। और नमक डालने के बाद उसको मैं चम्मच से एक बार अच्छे से चला दूंगी, जिससे कि नमक जो है पानी में मिक्स हो जाए। और उसके बाद जब पानी अच्छे से उबाल आ गया था, तो उसमें मैं डाल दूंगी अपनी चिप्स, और उसको आराम से डालना है धीरे से, जिससे कि गर्म पानी आपके हाथों पर ना आ जाए। और चिप्स डालने के बाद भगोनी में उसको थोड़ी देर के लिए प्लेट से मैंने ढक दिया है, क्योंकि जब गर्म पानी में ठंडे चिप्स डालते हैं तो पानी एकदम ठंडा हो जाता है, तो गर्म होने में थोड़ा समय लगता है। अगर प्लेट आप ढक देंगे तो वो थोड़ा जल्दी से गर्म हो जाएगा, और इससे आपके गैस की भी बचत होगी। और ये देखिए, अब अच्छे से उबाल आ गया है पानी में, और ये इधर मैंने चिप्स निकालने की तैयारी कर ली है। और ये देखिए कैसे खोल रहा है पानी, और मेरे चिप्स भी अब गल चुके हैं, और इन्हें मैं बार बार चेक कर रही हूँ कहीं गल कहीं ज़्यादा तो नहीं गल जाएं, क्योंकि ज़्यादा गल जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, वो बार बार टूटते हैं और फिर उनको फैलाने में भी दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स, अब मेरे चिप्स अच्छे से गल चुके हैं, और मैं उन्हें एक बड़े झारे की मदद से निकाल लूँगी भगोने से। आप चाहें तो करछली से भी निकाल सकते हैं, जो आपके पास हो। और मैं उसे एक बड़ी टोकरी में निकाल रही हूँ, और नीचे मैंने बड़ी थाली रख ली है, जिससे कि जो उसका पानी हो वो नीचे निकल जाए। तो फ्रेंड्स, हमने इन चिप्सों को इस तरीके से पलंग पर फैला दिया था, ये पास पास हमने दो पलंग डाल दिए थे। और देखिए, साइड में फैन भी लगा हुआ है, जिससे कि ये जल्दी से सूख जाएं। और उन्हें हाथ से एक एक करके अलग अलग मैं डाल दे रही हूँ, जिससे कि उन्हें सूखने में परेशानी ना हो और वो जल्दी ही सूख जाएं। और ये इस तरीके से हमने अपने चिप्स सारी जगह में अच्छे से फैला दिए हैं। देखिए, एक एक चिप्स अलग करके हमने डाला है, और ये इधर साइड में हमारी ये चावल की कचरी हैं, सूख रही थी। तो फ्रेंड्स, हमारे आलू के चिप्स बन करके तैयार हैं। और देखिए, हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, और मैंने तो अपने बचपन से इसी तरीके से चिप्स बनते हुए देखा है, तो मैंने भी आज इसी तरह बनाए हैं। और बाकी मैं कई दिनों से सोच रही थी कि चिप्स बनाऊं, पर बना नहीं पा रही थी, क्योंकि हमारी फैमिली के कई मेंबर्स की तबीयत ख़राब हो रही थी। और आज है संडे, तो फाइनली मैंने सोचा चलो इस काम को भी निपटा ही देते हैं। और ये देखिए, बच्चे खेल रहे हैं नीचे, और काफ़ी शोर आ रहा है। और देखिए, हमारे घर के सामने ये देखिए दो चिड़ियाएँ हैं, और इनकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, दो चिड़ियाँ हैं, एक ये हमारे घर में इन्होंने घोंसला बना रखा है,
तो ये उसी में रहती हैं। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ दोस्तों मुझे भी सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सहयोग और प्यार के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो बस आपसे एक विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। फ्रेंड्स अब मैं आपसे लेती हूँ विदा और मिलूँगी किसी नए ब्लॉग में, तो तब तक के लिए